जेलों के अंदर जा रहे हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे संगठनों को एक होकर काम करना पड़ेगा, तभी हम समाज हित में काम कर पाएंगे। क्योंकि अब आप करते रहिए समाज हित में काम, समाज तो जा ही रहा है जेल के अंदर, तो आप किसके लिए काम करेंगे? समाज उन युवाओं को हमें रोकना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उन तथाकथित लोगों को, उनको भी रोकने का काम हमारे संगठनों को करना पड़ेगा, तब हमारा जो समाज है वो आगे जाने का काम करेगा और हम उनके लिए काम करेंगे तो और आगे जाएगा। एक कहानी कह के अपने शब्दों को विराम दूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत लोगों ने सब कुछ बता दिया, कम कहना और ज्यादा समझना। एक गांव था, फैमिली रहती थी उसमें, मियां बीवी बाजार जाते हैं, एक चूहेदानी खरीद के लेके आते हैं, बहुत हो गए थे उनके घर में। तो वो रात को क्या करती है, जो मालकिन होती है वो चूहेदानी लगा देती है घर के अंदर। अब चूहा देखता है कि भाई चूहेदानी आ गई घर के अंदर, तो वहां पर उस घर में एक बकरा था, एक मुर्गा था, एक कबूतर था और चूहा भी था। चूहा जल्दी जल्दी तोड़ के जाता है कि कबूतर भाई घर में चूहेदानी आ गई। अब कबूतर हंसने लग जाता है कि चूहेदानी आई है, तू ही तो फंसेगा, मैं थोड़ी ना फंसने वाला हूँ। वो बेचारा निराश होके जाता है मुर्गे के पास, कहता मुर्गे भाई चूहेदानी आ गई घर के अंदर। तो कहता है यार, वो भी हंसने लग जाता है कि मैं थोड़ी ना फंसने वाला हूँ, तू ही तो फंसेगा चूहेदानी के अंदर। अब वहां से भी वो निराश होकर चल देता है, वो पहुंचता है बकरे के पास, बकरे से बोलता है बकरे भाई चूहेदानी आ गई घर के अंदर। अब बकरा तो लोटपोट हो जाता है, अरे यार चूहेदानी में मैं थोड़ी ना फंसूंगा, तू ही तो फंसेगा। अब वो दुखी होकर वो घर छोड़कर चला जाता है। जब चला जाता है तो रात होती है, रात में खटाक की आवाज आती है चूहेदानी की, मालकिन सोचती है चूहा फंस गया। अब वो जाती है, जैसे चूहेदानी को हाथ लगाती है उसमें फंस जाता है सांप, उसको सांप डस लेता है। जब काट लेता है तो जल्दी से जो घर वाले हैं वो वैद्य के पास लेके जाते हैं। वैद्य कहता है कि ऐसा है, इसको कबूतर का सूप चाहिए, कबूतर का सूप पिलाना है इसको। अब वो घर आते हैं, जो वो कबूतर था वो कबूतर काट पीट के पतीली में उबाला जाता है, सूप बन जाता है। उसके बाद जब रिश्तेदारों को पता चलता है तो रिश्तेदार भी आते हैं देखने के लिए। अब उनका खाने का प्रबंध किया जाता है, खाना का प्रबंध किया जाता है, तो मुर्गा काटा जाता है। उसके बाद में अब जब और रिश्तेदारों को पता चलता है तो सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, अब उनका भी खाने का प्रबंध किया जाता है, तो बकरा काटा जाता है, यानी कि वो तीनों कट गए। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये मत सोचना कि आज उनके बच्चे फंस रहे हैं या हमारे पड़ोस का पिट रहा है या दूसरे गांव के लोग पिट रहे हैं, नंबर सबका आ सकता है। तो इसलिए एक होकर काम करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे लोगों को हमें रोकना पड़ेगा जो समाज की कुरीतियां बने हुए और हमारे समाज को गड्ढे में लेकर जा रहे हैं, जेल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो उन लोगों को रोकने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, संगठन ही नहीं, और जो भी बालक राम जी जो भी आदेश देंगे हम लोगों को, मैं उनके साथ हूँ और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे लोगों को रोकने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।